हूँ, जो हमारे देश का दुश्मन है, जो हमारे देश के सैनिकों का दुश्मन है, उसकी माँ बहन एक होगी मगर गाली नहीं बगी, क्या गाली नहीं बहन माँ बहन होगी। और आज ये जितने मेरे भाई हैं, आज ये अपने लिए तालियां बजाएंगे और पाकिस्तान को आज इस कटोरे में भीग देंगे अपनी इच्छा से। डालो भाई साहब, डालो पाकिस्तान के लिए भीख, डालो डालो भीख, एक रुपए पाकिस्तान, ये भीख मांग रहा है यूएन में जाके, पैसा डाल पाकिस्तान के नाम पे, अल्लाह के वोट डाल, वोट डाल, भिखारी ले ये ले, पाकिस्तान ले, आटा भी ले, आटा भी ले, ले आटा भी ले, तुम्हारे देश में आटा नहीं है, तुम्हारे देश में बाटा नहीं है, आटा नहीं है, इधर आओ, दो चार रुपए डालो इसमें पाकिस्तान के नाम पे, तुम्हें कसम है, नहीं नहीं बिल्कुल डालो, फोन भी डाल दे, नहीं फोन नहीं डालना है, वो कंगले नहीं, पैसे डालो, पैसा लो, पैसा लाना भाई साहब, आप भी डालो दस पाँच पाकिस्तान के नाम पे, डालो इतना बोले, जितना बोले डाल देते हैं, इन पाकिस्तानियों को ये लो पैसा, 200 रुपए लीजिए, ध्यान रखना यहाँ पे पाकिस्तान के नाम पे कोई मुल्ला ना ले जाए, कोई बात, हाँ कितना रुपया हुआ, पेटीएम मत करना, कितना रुपया, जितना भी हुआ है ये आटे का है, आटा बाटा पाकिस्तान काटा क्या, अरे ये पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये बगर, ये कह रहे हैं कि अगर यही रहने दो यही पे रहेगा ये पाकिस्तान, ये आटा अबे माता चुल, इतना पैसा इकट्ठा हो गया बे, ओए इसकी बहन की छत, ओए अबे पाकिस्तान तेरे नाम पे आटा भी इकट्ठा हो गया, 232 रुपया है, 232 भाई साहब, ये 72 वालों को 32 मिल गई, मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ये थाली है इनकी, नीचे रख दो, टच मत करो, पाकिस्तान की थाली है, डोंट टच पाकिस्तान की थाली, ये भीख का कटोरा, गदर पिक्चर में कहा था भीख का कटोरा, ये कहते हैं 370 हटाएंगे, इनके बाप की औकात है, है नहीं है, पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा, और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या पाकिस्तान की औकात 232 रुपए ही है, बुड़वा क्या पाकिस्तान, बुड़वा कह रहा 370 हटाएंगे, समर्थन दे रहे हैं किसको, कांग्रेस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को बोलो कि राहुल गांधी पाकिस्तान में अपना ससुराल बना ले, पाकिस्तान पाकिस्तान की लड़की शादी कर ले, का और इस्लामाबाद में जाके अपना टपाटप चलाए, क्या टपाटप 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 चलाए खटाखट, मगर हमारे देश में रहना है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना है, नहीं तो भाई साहब कोनो फिरकी ले लेगा, क्या फिरकी ले लेगा, ये पैसा इकट्ठा हुआ है, ये आटा पाकिस्तान, नीचे मत, अरे रुक जाओ ना भाई साहब तुम, ये पाकिस्तान के नाम का है, चींटी खाएगी, कीड़े खाएंगे, अच्छा इनके देश में आटा नहीं, इनके देश में हगले मूतने का पानी नहीं, इधर आओ भाई साहब 5 रुपए 10 रुपए चढ़ाओ, चढ़ाओ पाकिस्तान के नाम पे, तुम्हें अल्लाह के नाम पे इनको देना पड़ेगा 100 रुपए, ओ तेरी गाली है भाई साहब, अरे तेरे को तो वहां वाले लड़की दे देंगे, अबे इसको तो लड़की दे देंगे 100 का नोट देख के, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उनसे तेज है भाई, 100 रुपए चढ़ा दिए पाकिस्तान के नाम पे, 200 पाकिस्तानी बदमन, 200 इसे चढ़ाए थे, दो नोट है, दो नोट है, अबे तालियां बजाओ भाई साहब के लिए, तालियां, अरे पाकिस्तान इधर आओ, मैं मुझे कश्मीर चाहिए, अरे इधर आओ, 500 हां भैया मुझे इतना पता है, अंडी संडी मंडी जो ये पैसे उठाएगा पाकिस्तान के नाम के उसकी महफिल मेरे को मत बोलना, ये पैसे मत छेड़ना, ये आटा और पाकिस्तान का ये पैसा कल गरीबों को दान होगा, किल गरीबों को, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलेंगे, क्या अरे ये हमसे धारा 370 हटवाने की बात कर रहा है, आज बब्बर शेर ने कह दिया, उधर उधर मत देखो, मल्लिका सिरावत आई है क्या, नहीं, नहीं, नहीं। आज पाकिस्तान कहता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो धारा 370 हम हटाएंगे, अरे मोदी के होते हुए योगी के होते हुए कोई मायका लाल नहीं बैठा, भैया तालियां बजाओ जो हटा के, दिया है कि डंके की चोट पर जब तक हमारी सरकार है धारा 370 नहीं, पिछवाड़े में भी चोट मारेगा पाकिस्तान के बहुत जल्दी, अमित शाह क्या होगा बवासीर, ये भी सीख गए मेरे साथ रह के, सही में होगा बवासीर, पाकिस्तान का प्रेम है कांग्रेस के लिए, पाकिस्तान भड़वा, नीम का पत्ता कड़वा है पाकिस्तान, नीम का पत्ता कड़वा है पाकिस्तान, साले तू मेरे वहाँ है जहाँ हर महीने सफाई करता हूँ, नकली आदमी, तुम्हें क्या मतलब है हमारे देश से भाई, हाँ, है छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो तुम हमारे देश के भैया, तुम्हारे बराबर तो उत्तर प्रदेश वालों से पिलवा दे हम इनकी, हाँ। क्या रात दिन जिसे हम चाहे ना, हाँ। तो उत्तर प्रदेश वाले पेल के चले जाएं, जितनी आबादी हमारे उत्तर प्रदेश वाले भाइयों के लिए ताली मारो, उत्तर प्रदेश वाले के लिए, तुम भी तो मुजफ्फरनगर के हो, तुम कहाँ घुस रहे हो, ये भी तो उत्तर प्रदेश का है, कांग्रेस और ये जो पाकिस्तान का रिश्ता है बीजेपी पूछ रही है कि भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है, बिल्कुल ये रिश्ता वही कहलाता है टपाटप 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 वाला, क्योंकि राहुल गांधी का ससुराल है पाकिस्तान में लाहौर, शादी नहीं हुई उनकी यार, नहीं तो लड़की है,
वही सन्नू है। अरे सनी देओल जब से गए हैं ना गदर में तो राहुल गांधी ने भी अपना ससुराल पाकिस्तान में मनाया हुआ है। ससुराल तो तुम भी बनाना चाहते थे क्या? मेरे अंदर फीलिंग है, फीलिंग है भाई मेरे अंदर। आप आओगे बारात में? आप बारात में आओगे? सुना एक की शादी हो गई नैला सैला में? नहीं भाई, नैला सैला में से एक की हो गई तो क्या हो गया, और भी नैला सैला बथेरी है जो मुझे अंदर से प्यार करती, कहती आई लव यू दिल्ली का दीपक। वीडियो वायरल है, कह रही है ये जोश और जुनून वाला मेरे को बेबी चाहिए। क्या बेबी चाहिए? अब बेबी के लिए तो बेबा तो चाहिए होगा, अब बेबा होगा जब बेबी होगी। क्यों भाई, जब भी तो मैं गाना गाऊंगा बेबो तू ले ले पाकिस्तानी बेबो ले ले। अरे ये लोग अपना काम नंदा देखे, साला हमारे लिए छोटे छोटे बच्चों को तैयार कर रहे हैं, कह रहे अगला जुम्मा दिल्ली में साला तुम्हारा जुम्मा निकालू मैं, तुम्हारी बहन का जुम्मा ले लूं। ये जो पैसे इकट्ठा किए कहाँ भेजेंगे पैसे? ये पाकिस्तान कोशिश करेंगे कि हम पोस्ट कर देंगे, हम कोशिश करेंगे कि इसका मनी ड्राफ्ट बना के और जो नया प्रधानमंत्री बना है खुजलीवाल का दोस्त, केजरीवाल का दोस्त, उसका नाम है वो शहबाज शरीफ का, जो पूरे दिन ऐसे कर रहा होता चश्मा पहन के, वो कॉमेडियन है, वो भी एक्टर है। उसको हम ड्राफ्ट बना के भेजेंगे, इससे वो कच्चा और पिछवाड़ा धोने का पानी खरीद लेगा। आटे की दिक्कत है, आपने तो आटे के नाम लिया है पाकिस्तान, आटा अब क्या इनके पिछवाड़े में डाल दूं? सारा नहीं गिराऊंगा, गरीबों में भी बांटूंगा। इतने आटे से क्या होगा पाकिस्तान में? इतने आटे में मियां खलीफा खा लेगी, वही पाकिस्तान की तो रहने वाली है वो, पाकिस्तान की है तो और कहाँ की है, मियां खलीफा खा लेगी इतना आटा तो भाई उसके लिए क्या है, उसका फैट चढ़ता है बॉडी में, एक किलो आटा उसका एक हफ्ता चलेगा। भाई साहब इधर आओ, इधर आओ, आपका उदास लग रहे हो पाकिस्तान में गाली पकड़ रहा हूँ तो? नहीं नहीं, चेहरे पे स्माइल लाओ, बिल्कुल हंस रहे हैं भाई साहब अंदर से हंसो। भाई साहब आप ही अंदर से हो, भाई आप खुश हो के नहीं हो? पाकिस्तान को ट्रोल करना चाहिए नहीं? पूरा पूरा भाई साहब, बड़ो भाई हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। यूँ कह रहे हैं कि हम भारत को साले, इनको कुछ सुना दो, दो लाइनें बोल दो। उसकी औकात ही नहीं है, यूपी वाले बिहार वाले काफी है उसके लिए। किसके लिए? पाकिस्तान। वाह भाई वाह, मैं तो एक ही बात बोलूंगा भाई, इधर आओ, शेर के बच्चे बन के रहो, हिंदू हो, कहाँ के रहने वाले हो? मुंगेर बिहार। हैं? मुंगेर 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 बिहार 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 के, बुरा मत मानना भैया, एक बिहारी सौ पर भारी। मगर मुझे एक बात तो बता दो, ये पाकिस्तानियों को हमसे दिक्कत क्या है? इनके देश में आटा नहीं है, हमारे देश में भंडारे चल रहे हैं, ये कह रहे धारा 370 अगर हम आएंगे तो दोबारा लगा देंगे। समर्थन करेंगे कांग्रेस का? इनके पिछवाड़े का ऐसा समर्थन करूंगा ना कि ऐसा डाल के बंबू उठा दूंगा इनको मैं। ये तो तुम्हारा माइक है, नहीं तो ये दे देता मैं, अभी बता रहा हूँ तुम्हारी रोजी रोटी है मोनू भाई। पाकिस्तान में क्या होता है रात दिन? क्या होता है? गंदी पिछड़े बनाते हैं वो, ट्रिपल एक्स और क्या बनाते हैं यार वो। अच्छा आपने देखा पूरा बयान आया, लेकिन राहुल गांधी ने इस बयान पे चुप्पी साधी हुई है, उन्होंने चुप्पी नहीं तोड़ी। वैसे तो राहुल गांधी हर मुद्दे तेरी क्या औकात रह गई है, 47 से पहले तो कितना अच्छा था पाकिस्तान मोदी जी के समर्थकों। 432 रुपए भाई, आपको भी देने पड़ेंगे। अगर पैसे नहीं दोगे आप लोग तो पूछता है भारत, अगर 2 रुपए नहीं चढ़ाए पाकिस्तान के नाम पे और इनके अल्लाह के नाम पे तो थूकता है भारत। आप तो यार मदद कर रहे हैं उन लोगों की, एक तरह आप कह रहे हैं कि मैं उनका विरोध करता हूँ, आप मदद भेज रहे हैं। ये मदद ऐसी मदद है, ये पिछवाड़े में वो बांस घुसेगा ना, निकाला जाएगा ना डाला जाएगा। भैया गलत बोलो, चलो अभी हमारी जमीन पे रह करके हमारा ही आटा खा करके हमारे ही खिलाफ जो है बोलते हैं, इसलिए ये अच्छी मुहिम है, पैसे जमा कीजिए, उसके मुंह पे मारिए, कुछ तो दिमाग आएगा, कुछ तो एजुकेशन बढ़ेगी, ठीक है। हमारे सनातन धर्म में गरीबों की मदद करना बहुत लाभकारी, गरीबों की तो हम भारत में करेंगे। अभी एक भाई और देने वाला दिल खोल के, क्वाइन मैन भाई साहब, नोट भी निकाल सकते 10-20 रुपए का, पाकिस्तान के नाम पे आपको आज देना पड़ेगा। आप अगर आज नहीं दोगे तो आपको मियां खलीफा नहीं देगी रात को। अरे 500 का है मेरे पास। अरे पेटीएम ही कर दो पाकिस्तान वालों को उनका। भाई भाई साहब तुम कहां हंस रहे हो, तुम भी रख के जाओ। इस कैमरामैन से नहीं लिया आपने? भाई जोरदार तालियां बजाओ, 5 रुपए तालियां बजाओ। ये 5-5 रुपए करके अगर कौन है, 100 करोड़ सनातनियों ने अगर 5-5 रुपए भी दे दिए तो कितने हो गए? 5 करोड़। मत देना, मत देना, भड़वे हैं मत देना, किसी से हथियार खरीद लेंगे। बड़ा हसराए वाला भाई, भाई कहाँ गया? मुंगेर बिहार। अरे बिहार वाला बड़ा हसरा है यार। आपको कैसा लग रहा है ये पाकिस्तान के लिए जो इकट्ठा हुआ है सामान, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा बहुत चंदा हो गया पाकिस्तान, ठीक है अपने पजामे डाले। हमारे ही बच्चे हैं,
कुछ खा लेंगे इस पैसे से, कुरकुरे खा लेंगे, लेकिन ध्यान रहे आतंकवाद में यूज ना करें। और अगर आटा चाहेंगे और देंगे। 442 अरे बाप रे। अरे यार मोदी जी कह रहे थे अब की बार 400 पार, यहाँ 442 हो गए। 450 से ज्यादा है, गलत गिने। भैया तुम भी डाल के जाओ पाकिस्तान के नाम पे, ये पाकिस्तान के नाम पे, ये पाकिस्तान के लिए दान नहीं है, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी है। क्या कह रहे हो, उसके कफन का सामान है? अरे यार कह रहे पाकिस्तान के कफन का सामान ले लेंगे इससे, इससे ना, इससे पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी समझ जाएगी। इससे पाकिस्तान शिलाजीत खरीद लेगा, युद्ध के टाइम पे काम आएगा। और क्या खरीदेगा? आटा नहीं है, आटा नहीं है, आटा नहीं है। ओ भाई साहब चाचा, पाकिस्तान के नाम पे 5 रुपए डाल के जाओ। अरे यार गुस्से में लग रहे। ये कह रहे मैं अपना पेशाब भी ना दूं, वो भी पीलिया वाला। तो हम तो एक ही बात बोलेंगे नहीं, अब आपको लोग कहेंगे कि आपको पाकिस्तान से ज्यादा प्रेम है, आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो भाई साहब इतने पैसों में तो उसका क्या होगा पाकिस्तान का इतने? कम से कम अफगानिस्तान के नाम पे बोलता तो 10-20 हजार हो भी जाते, क्योंकि मित्र देश है। तो पाकिस्तान के नाम पे 437 रुपए इकट्ठे हुए। 60 करोड़ दिए थे, नहीं आ गए हैं कि बाप अपने बेटे को 5 रुपए नहीं दे सके। हमने तो पूरी इकोनॉमी एक थाली में रख दी पाकिस्तान, 442 रुपए दे दिया है भैया। इतना बड़ा कम से कम अपने पजामे डालेंगे, नाना खरीदेंगे, अच्छा पहन लेंगे बेचारे। तो तुम्हारी गाड़ी में बैठ के वहाँ की हीरोइन चली जाएगी, पूरी रात घूमेगी, और तुम्हें देके भी जाएगी। अरे यार बड़े गंदे आदमी हो यार, पत्ता मिल जाएगा। वही बोल रहा हूँ, चुम्मी बोल रहा हूँ यार, किसमें वही वही बोल रहा हूँ, कोई गलत बात थोड़ी है यार। असली होते जा रहे हो दिन पे, असली मेरी बात बता भाई। जब हमारे देश के लिए बोलोगे, हमारे आर्मी वालों के लिए बोलोगे, हमारे देश के आर्मी के नागरिक के लिए बोलोगे, हमारे देश के सिपाही का फुटबॉल खेलोगे, तो भैया हम तो टपाटप लेंगे। और हम इतनी लेंगे कि पूरा पाकिस्तान रात को जब दिल्ली के दीपक की वीडियो देखे तो उसको बवासीर हो जाए। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है कि राहुल गांधी चुप क्यों है, उनको तो बोलना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। देखने के बाद और थाली को देखने के बाद कांग्रेसी जो है यहीं आके थाली चेक करेंगे। मुझे तो लग रहा है दीपक भाई की वीडियो देखने के बाद उनको रात को नींद भी नहीं आएगी, मुझे बिस्तर में सुसु ना कर दे वो। बिल्कुल करेंगे वो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। योगी जी का इंतजार करो, जिस दिन योगी आदित्यनाथ देश का प्रधानमंत्री बनेगा उस दिन पाकिस्तान थाली और ताली, और रात दिन कहेगा मेरी जान की दुश्मन आए आए हाय हाय, उस दिन पाकिस्तान कहेगा क्या क्या गया। बिल्कुल पाकिस्तान को नाना पाटेकर बना दिया जाएगा, ऐसा वाला। कैसे वाला? कि पूरी दुनिया में जाकर जो भीख का कटोरा मांग रहा है ना वो, उसकी थाली में 1 रुपए नहीं डालेगा। सारा कल जाके कह रहा है और सानू फेर दे दियो कुछ खान लू। चाइना वालों को कहता है इन चांग चुंग चांग चुंग खाने को दे दो। अबे तुम रात दिन पैसा मांग रहे हो, भीख मंगो कंगलो, तुमने मंदिर तोड़ दिए, तुमने गुरुद्वारे तोड़ दिए, और तुम कहते हो खाली एक ही जना है, तो तुम्हारा एक ही जना, तुम उनसे मांग लो। तो मंदिर गुरुद्वारा तोड़ के तुम सोच रहे हो तुम्हें भगवान देगा, तुम्हें भगवान कुछ नहीं देगा, तुम्हारी थाली भर गई। बहुत पैसा है आज के हिसाब से। पाकिस्तान तेरी झोली भर गई रे, इतना दिया मेरे भाइयों ने, पाकिस्तान तेरी झोली भर गई रे। अरे आटा भी तू ले जा, अरे आटा भी तू ले जा, तेरे को इतना दे दिया रे पाकिस्तान, देख रहे थाली भर गई। मियां खलीफा, अरे यार फिर मियां खलीफा आ गई, तुम काहे बुरा मान रहे हो भाई। मियां खलीफा ही तो ये पैसे लेके जाएगी कल, वो आएगी क्या डील करने। हाँ यही खड़ी होगी अभी थोड़ी देर बाद आके, इधर मुझे लगा यहाँ पे वही लेके जाएगी। नहीं आप लेके चले जाना, आपकी तो रिश्तेदारी है वहाँ पे। मेरी पाकिस्तान में ससुराल है, आई गोइंग टू ससुराल फ्रॉम इस्लामाबाद। मेरी थोड़ी सी इंग्लिश कच्ची है या, या, क्या या, या, कपिल शर्मा वाली है। बिल्कुल मेरा ससुराल पाकिस्तान में, भाई साहब मेरे ससुराल आओगे दावत खाने, बिल्कुल हम बुलाएंगे। भैया आप आओगे, भैया वीडियो वाले आप आओगे। अरे आपको कोई पसंद करवा दी तो नहीं करोगे? ये तो प्योर वेज लग रहा है, ये प्योर वेज है। क्या लग रहा है अगर सरकार बदलती है, कांग्रेस सरकार आती है, धारा 370 हटाई जाएगी? नहीं बदलेगी, लिख के ले लो। भैया देश में बीजेपी चाहिए कांग्रेस चाहिए? बीजेपी चाहिए। पूछो ना इनसे, बीजेपी चाहिए, क्या चाहिए? बीजेपी चाहिए, क्या चाहिए? भाजपा, क्या चाहिए? बीजेपी चाहिए। भैया देख लिया, इसीलिए कह रहा हूँ, खुल के कह रहा है राहुल गांधी, क्या कह रहे भैया 2-4 रुपए डाल के जाओ पाकिस्तान के, 2-4 रुपए डालो निकालो भाई, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, निकालो 2-4 रुपए निकालो भाई, दे दो 10 का 10 का 3 का 3 अपने हाथ से रखो, तू बैग बचा। 452 हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान बर्बाद हो गया। लेला शैला
वीडियो डाल दी। पैसे इकट्ठे हो गए, पैसे तुमने भी 10 रुपए दिए भैया जोरदार इनके। अरे इधर आओ, 2-4 रुपए डाल दो पाकिस्तान के नाम पे। राहुल गांधी की तरह जेब फटा हुआ है, राहुल गांधी की छोड़ो उसकी सब कुछ फट गई। डालो जेब फटा हुआ है, कुछ भी डालो। खट वाला आया नहीं, एक बारी को आएगा। मेरी अंतरात्मा को डालो, खट वाला आया नहीं, एक बारी को आएगा। डालो कुछ तो डालो। नहीं है, नहीं है। मैं 2014 के बाद बेरोजगार हो गया हूँ, बेरोजगार राहुल गांधी की तरह। तुमने लगा ली भाई, तुमने लगा ली है। ये नहीं देंगे पाकिस्तान के नाम पे। तुम ऐसे ऐसे काहे कर रहे हो भाई। चेक ले लो, चेक चेक डाल दो, चेक ही डाल दो भाई। मैं कुछ और ही दिलवा दूंगा तुम्हारे को, तो मैं तो इतना जानता हूँ। आज यहीं तक रहने दो, ये पाकिस्तान का फंड है। अब इस फंड को एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान का रक्षा मंत्री पहले अपनी लुगाइयाँ संभाल ले, अपनी लुगाइयों की रक्षा कर ले, क्योंकि मित्र देशों ने बड़ा दिखाना शुरू कर दिया। मैंने नहीं दिखाया भाई साहब, बांग्लादेश, बांग्लादेश ने, युवा ने दिखा दिया कि हमारे देश के नागरिकों के हाथ में कंप्यूटर है, लैपटॉप है और रॉकेट है जो हम लोग इसरो में भेजते। भैया ताली मार दो भाई देश के आगे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के हाथों में बम बनाने की फैक्ट्री है, बड़ा है, शिला जीत है और कुंडम है। घड़ी ले लो, पाकिस्तान का वक्त खत्म है मेरे तरफ से। घड़ी समय अच्छा हो जाएगा, घड़ी सोने का है, घड़ी सोने का घड़ी। एक व्यक्ति ने घड़ी, भैया घड़ी वाले के लिए जोरदार ताली बजा दो। क्या नाम है भाई साहब आपका? रतन रंजन है, रतन रंजन। आपका नाम है रतन पूरा? पूरा। आपने कर दिया पाकिस्तान का काम बुरा, पूरा। आपने दे दी उसको घड़ी, घड़ी। अब कहा हो गया पाकिस्तान की घड़ी खराब हो जाएगी। कहा घड़ी खराब हो जाएगी। 10 रुपए डालो पाकिस्तान के नाम पे, इधर आओ। उसके बाद चले जाना, नहीं तो वीडियो ब्लॉक हो जाएगी। इधर आओ, नहीं तुम खतरनाक हो यार। 10 रुपए भाई, जोरदार तालियां बजाओ कट्टर हिंदू के लिए। वाह, मैं दे नहीं रहा आपको। वाह मेरे कट्टर हिंदू, वाह। ये देख पाकिस्तान तुम्हारी अनाड़िया। वाह मेरे कट्टर हिंदू, वाह। ये तुम रखो, ये मेरा भाई है कट्टर हिंदू, ने 20 रुपए दिए पाकिस्तान को। नाला से शादी करूँ या सैला से? दोनों से कर लो, एक ही हो गई है, एक ही हो गई है, फिर भी रख लो दोनों। जिसकी नहीं, नहीं सुनो, मेरे में नहीं होता। आई डोंट लाइक हलाला। एक से कुंवारी वाली ठीक है, ठीक है ना? साथ दोगे ना? अरे भैया कट्टर हिंदू ने, कट्टर हिंदू लिखवा रखा, जोरदार ताली बजाओ भैया, दिखा देना एक बार। अरे भाई, अरे दिखाओ, जीते दिखाओ, कट्टर हिंदू है पाकिस्तानी है, भरो तुम्हारी। ये भाई है अपना, जोरदार ताली बजाओ कट्टर हिंदू के लिए भैया। 20 रुपए दिए इसलिए। चलो जाओ, पिक्चर खत्म हो गई। हेलो पाकिस्तान। दीपक एक बार हाथ में उठाना थाली। अरे लो भाई, लो भैया, सारे हाथ लगा लो एक बार, हाथ लगा लो सारे। आओ सारे, कट्टर हिंदू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ एक बार। पाकिस्तान, पाकिस्तान तेरा बेड़ा गरक हो जाए, पाकिस्तान तेरा बेड़ा गरक हो जाए। अगर तू भारत के बारे में बुरा सोचे, तेरे पिछवाड़े में बवासीर हो जाए। पाकिस्तान तेरा बेड़ा गरक हो जाए। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान।